ये मुतालबात हमारे पूरे ना हुए तो पाकिस्तान के चौकों में मैं देखूंगा कौन रोक सकता है। सिद्दीक अकबर और फातिमा जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के गुस्ताखों के हम पुतले जलाएंगे। यहां से लेकर ईरान के वीरानों तक मेरा चैलेंज है, एजेंसियां नोट करें, हम अब चुप नहीं करेंगे, तालबा पूरा करवाएंगे। इन्हें कहो सबको जितने शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, लफ्ज खताकार वाली वीडियो लाएं, ऑडियो लाएं, तहरीर लाएं, किसने खताकार कहा। मेरी तो कितनी तकरीरें हैं जिसमें हमने कहा खताकार की निस्बत करना सईदा पाक की तरफ नाजायज है। मेरा मुतालबा है समनाबाद थाने के जिस शख्स ने FIR काटी है सबसे पहले उसे लटकाया जाए। तो ये थानों में जानवर बिठाए हुए हैं, ये पुलिस एहलकार जिसने ये काटी है उसे 24 घंटे से पहले मुअत्तल किया जाए। और जो जो मुतालबा करने वाले हैं उन्हें ऐसी कोड़े मारे जाए या उनसे सबूत मांगा जाए। हिमायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो सरे फहरिस्त इस कमजोर बंदे की हिमायत में नारा लगा तो बरेली शरीफ से लगा। शराइत किस कदर थी, बात थी कैसी शरीयत की। वो जो मौला अली सेमिनार में हमने कड़ियां वाले में तकरीर की, वो जो काट के क्लिप दिया गया, शराइत किस कदर थी, खता की किस्में, फिर शरत वक्त की किसके जवाब में, फिर कितनी देर के लिए, और फिर बका का सवाल और अकीदा उस वक्त भी बेखता बेगुना सैयदा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और इन्होंने क्या बताया आगे काट के, देखो जी ये तो वो खता की निस्बत और कुछ कमीनों ने खताकार की निस्बत बना के बयान करना शुरू कर दिया। शराइत किस कदर थी, बात थी कैसी शरीयत की, ये राफिज बेहया ने बात को कैसे उछाला है। किसी को कोई रंज है, किसी को कोई रंज है। कोई जब राणा सना को जब क्लीन चिट दे रहा था तो हमने कहा नहीं, तुम पीर हो तो अपने घर हो, तुम किसी जगह के शेखुल हदीस हो तो अपने घर हो, मगर जो खत्म नबूवत के खिलाफ कादियानियों का हम नवाब बना हुआ है तुम उसे क्लीन चिट क्यों दे रहे हो। उन्हें वो दर्द है, किसी के लफ्ज खुदा की तोहीन पर हमने उनको झंझोड़ा या लफ्ज नबी की तोहीन पर, तो वो जख्म चाट रहे हैं आज तक। उन्हें वो रंज है, कोई 40 साल तक सरकार की नबूवत नहीं मान रहा था उसे वो रंज है, कोई जाली सैयद था और आज उसने कहा चलो मौका है मैं बोलूं तो लोग मुझे भी सैयद ही समझें। क्या क्या इन लोगों के फ्रॉड हैं और इन लोगों के जुर्म हैं हमें पता है हर एक का। हमारे पास यहां आकर हमें ऑफरें करते रहे, इसी कुर्सी पे बैठकर भी, इलेक्शन से पहले इत्तेहाद की खातिर आकर, लेकिन हमने कभी जुल्मतों को उजाला नहीं माना। मैं कहता हूं ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है। कितने हैं जो फोन करके कहते हैं बात बिल्कुल तुम्हारी सच्ची है, बात तुम्हारी सच्ची है, मगर डरते हैं कहीं ये बात कोई सुन ना ले। सच्ची है तो तुम क्यों नहीं सच्ची कहते, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना। रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक अल्लाहुल अज़ीम।
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر صلی اللہ علیہ وسلم خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام اس بتول جگر پارائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بتول جگر پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام اس بتول جگر پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین حاضرین سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام آج جمعۃ المبارک کے موقع پر پورے ملک میں یوم ناموس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور یوم عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم شان بتول رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس میں اس وقت موجود ہیں اور یہ لائیو اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ جتنے لوگ پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ منسلک ہیں یا بعد میں اسے سنیں گے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے فیوز و برکات
ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سلسلہ میں چونکہ ہم متعدد سیمینارز کانفرنسیں کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید کریں گے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس جو قرآن مجید میں ہے اور جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ ہمارے الفاظ اس کو مکمل بیان کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ جس طرح کہ میں نے ابھی سلام کے وہ اشعار جو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے جو بارگاہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پیش کیے، وہ اشعار میں نے بھی ابھی آپ کے سامنے پڑھے۔ ایسے ہی شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں انہوں نے بھی خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کے مضامین کی ترجمانی کی، اور ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز، کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی شان ہے، لیکن کہنے لگے ان کی شان کا جو مین حوالہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے، کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر کی والدہ محترمہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلم اللہ علیہا، آپ جو ہیں تین نسبتوں سے مین شان پانے والی ہیں۔ ویسے تو اور بھی شان کی ہزار ہا وجوہات ہیں، لیکن یہ تین جو نسبتیں ہیں ان کے لحاظ سے آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات جو ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ حوالہ سامنے رکھو کہ آپ سارے جہانوں کی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، اور یہ چونکہ ہم فارسی شعر پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ مضاف مضاف الیہ والا عربی کا قانون نہیں چلے گا کہ کوئی کہے کہ رحمت للعالمین پڑھنا چاہیے، تو نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ یہ جو ہم نے ابھی درود میں بھی پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین، اسی مفہوم کو ہی آ امام اولین و آخرین میں شاعر مشرق نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک نسبت یہ ہو گئی، دوسری بلکہ اسی میں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان بیان کرتے ہوئے کہ کن کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہیں، اقبال کہتے ہیں آنکھ جان در پے کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئین آفرید۔ کون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی۔ دوسری جگہ جو اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفتے دیدائے اعمہ ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو اقبال کہتے ہیں آنکھ جان در
पैकरे गीती, गीती है दुनिया कायनात, इसके पैकर में जिन्होंने दमीद जान फूंकी, दमीदन वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने कायनात के पैकर में जान फूंकी, उनकी आंखों की ठंडक सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। रोजगारे ताजा आईना फरीद, आफरीदन पैदा करना है कि वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जहान नौ बनाया और उसका आईन बनाया। दूसरी निस्बत हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अस्मत की तीन में से क्या है? इकबाल कहते हैं, बानुवे आ ताज दारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। बानुवे आ ताज दारे हल अता, ताज दारे हल अता हैं हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी शान में वो सूरह कुरान की आयात उतरी। बानुवे यानी जौजा मोहतरमा हैं, अहलिया मोहतरमा हैं आप उस जात की जिनको ताजदारे हल अता कहा जाता है। वो कौन? मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, कि हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मुश्किल कुशा है और शेरे खुदा हैं। अब इन लफ्जों में ये भी आप देखें कि ये शान हम अहले सुन्नत की ज़ुबान से ही सजती है बयान करते हुए, बल्कि दूसरों के कई का अकीदा अफोर्ड ही नहीं करता कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुश्किल कुशाई नहीं मानते, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कैसे मानेंगे। और फिर के जब ये कहा जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायस तख्लीक कायनात हैं, इस पर बहुत से लोगों को मरोड़ उठता है कि नहीं नहीं नहीं, ये जब रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो कितने गैर मुकल्लिद वहाबी और इस तरह के वो बाकायदा मजमून छापते हैं कि ये बायस तख्लीक कायनात का लकब जो है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना लिखो। और इकबाल ने कहा यानी कायनात के पैकर में जान फूंकी है तो महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी आपके फैज़ से ही कायनात बनी है। हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तीसरी निस्बत आज से निस्बत हजरत जहरा अजीज। तीसरी निस्बत क्या है? इकबाल कहते हैं, मादरे आ मरकजे पुरकारे इश्क, मादरे आ कारवां सालारे इश्क, कि हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान की तीसरी निस्बत बहसियत माँ होने के है, पहली निस्बत बहसियत बेटी होने के, दूसरी बहसियत जौजा मोहतरमा होने के, और तीसरी बहसियत माँ होने के। मादरे आ मरकजे पुरकारे इश्क, पुरकार ये जो ज्योमेट्री के अंदर जिसके जरिए से दायरे लगाए जाते हैं, तो वो जो पुरकारे इश्क है, पुरकारे इश्क का जो मरकज हैं उनकी अम्मी जान सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, और मादरे आ कारवां सालारे इश्क, सालारे इश्क के कारवां के जो सालार हैं उनकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा है। अब इकबाल ने दोनों शहजादों सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों के बारे में फिर अलहदा अलहदा शेर लिखे कि एक इस मजमुई शेर में जिक्र किया फिर अलहदा अलहदा। कहते हैं, आ यके शमे शबिस्तान हरम हाफिज़े जमईयत खैरिल उमम, आ यके शमे शबिस्तान हरम, उन दो में से एक वो शबस्तान हरम का चराग हैं, शमे शबस्तान हरम उनका किरदार क्या है? हाफिज़े जमईयत खैरिल उमम, ये सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो कि उस किरदार की बात कर रहे हैं जो सिर्फ सुन्नी ही बयान करते हैं, रवाफिज नहीं बयान करते। हाफिज़े
حافظ جمعیت خیر الامم کنتم خیر امہ اخرجت للناس, اس امت کا لقب ہے. اس امت کی جو جمعیت ہے, اتحاد ہے, وحدت ہے, ایک جھنڈے کے نیچے امت کو اکٹھا کرنا ہے, جس نے امت کو پارا پارا ہونے سے بچایا اس مصلح امت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ ہی امی جان ہیں. یعنی جس طرح دونوں آنکھیں ہیں تو بندہ کیسے ایک آنکھ کو چھوڑ دے. یہ ہیں اہل سنت, جس کے لحاظ سے خود میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی, جو کہ الکامل کی تیسری جلد میں موجود ہے. کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ, کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اس واسطے وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے, اقبال نے اس کا حوالہ دیا کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو کیوں کی, ڈر کے نہیں کی, بلکہ کہا کہ نانا جی کی لگائی جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے پوری کر دی. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور صحابہ کہتے ہیں ایک نظر ان کے چہرے پر اور دوسری مجمع پر, پھر مجمع کو دیکھ کے پھر ان کے چہرے پر, ان ابنی ہذا سیدن, میرا یہ سید بیٹا ہے. حالانکہ پوری نسل ہی سید ہے, یہ خصوصی یعنی سرداری لیڈرشپ ہے میرے اس بیٹے کے پاس. کیا ہے وہ چیز؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. مجھے امید ہے رب ذوالجلال میرے اس سید بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی, اوروں کی نہیں, مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. عظیمتین دونوں ہی عظیم ہیں, تو ان کے درمیان صلح کروائے گا اللہ ان کے ذریعے سے. یہ غیب کی خبر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ اور کسی کا مسلک افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا, کل کا پتہ نہیں تھا, تو اتنے سال بعد کی خبر کا وہ کیسے ذکر کریں گے. یعنی تقاضے کے مطابق, اگرچہ ویسے تو حدیث پڑھتے ہی رہتے. اور دوسرا طبقہ جو اس جگہ آ کر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے میں ہے ان پر, اور معاذ اللہ ان کی کتابوں میں انہوں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہنے کی بجائے مذل المومنین کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو ہمیں ذلیل کر دیا ہے. اتنے ناراض ہیں وہ اس صلح پر جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار کے فرمان کے مطابق کی. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال نے شان ہی سب سے بڑی یہ بیان کی, آن یک شم شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم. اور پھر دوسری بڑی ذات کی والدہ ہیں, وہ کون ہیں؟ اقبال کہتے ہیں وان دیگر مولا ابرار جہاں, وان دیگر مولا ابرار جہاں, قوت بازو احرار جہاں. کہ دوسری کون سی شخصیت ہیں کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی امی جان ہیں, وہ کون سی دوسری شخصیت ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ دوسری وان دیگر, وہ دوسری ذات کون؟ مولا ابرار جہاں, جہان کے ابرار, نیک لوگ, پارسا, متقی, مقرب, ان کے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا ابرار جہاں, مولا ابرار جہاں. اب جن لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی داتا کہے,
تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لفظ مولا کیسے بولیں گے؟ تو خاک پنجاب سے اٹھنے والی صدائے اقبال اس کے اندر یہ سنیت بول رہی ہے، نہ خارجیت ہے، نہ رافضیت ہے، نہ ناسبیت ہے، نہ وہابیت ہے۔ کہا وان دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں۔ ہر ہر کی جمع احرار، جہان زمانے کے جو ہر لوگ ہیں شیر دلیر، ان کے بازوؤں کی قوت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قوت بازو احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زندگی کا سوز ہے، زندگی میں زندگی ہے آپ کی وجہ سے۔ اہل حق کو جو آج بھی سر اٹھا کے چلنے کا سلیقہ ملا ہے تو حسینیت سے ملا ہے۔ یعنی اس وقت کربلائے وقت میں یہاں سے لے کر امریکہ تک ساری یزیدیت کے خلاف اگر سینہ تان کے بولنے کا عزم ملا ہے تو اللہ کے فضل سے حسینیت سے ملا ہے۔ اب گن سکتے ہو کہ کتنے دشمن ہیں، گن سکتے ہو، ہر ایک کو اپنا اپنا درد ہے اور اپنا اپنا زخم چاٹنے کے لیے وہ ہمارے خلاف، جو ہم نے سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں لفظ بولا ہی نہیں، جو بولنا ہم توہین سمجھتے ہیں، تو یہ کمینے اپنا بغض ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ لفظ سیدہ کے بارے میں بول رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ ہماری طرف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ کتنا بڑا کمینہ پن ہے ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے لفظ خطاکار معاذ اللہ سیدہ کے بارے میں بولا، لکھا درخواستوں میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، اگر کچھ بھی حیا ہوتی ایسے لوگوں کے اندر تو اپنی ذاتی دشمنی کے لیے سیدہ پاک کے نام کو آڑ نہ بناتے کہ ان کی طرف گھڑ کے اپنی طرف سے۔ ہم نے آج تک نہیں کہا، نہ قیامت تک کہیں گے کہ وہ صدیقہ نہیں، ہم نے کہا وہ معصومہ نہیں۔ انہوں نے درخواستوں میں لکھا ہوا ہے کہ اشرف جلالی کہتا وہ صدیقہ نہیں۔ ارے ہم تو کوئی صدیقہ کبریٰ سے کوئی بڑا لفظ ہو تو وہ بھی ان کی شان میں بولیں گے۔ یاد رکھو جب ہم یہ کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اندر ہے لبیک یا فاطمہ، اسی کے اندر ہے لبیک یا حسن، اسی کے اندر ہے لبیک یا حسین، اسی کے اندر ہے لبیک یا زینب۔ یہ ہم ہیں، ہمارے خمیر میں ہے اور اللہ کے فضل سے آخری سانس تک اس کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ جو احرار جہاں کے بازو میں قوت ہے اور یہ جو حریت انہوں نے سیکھی ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا شعر کہ یہ جتنے کارنامے ہیں سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے، اقبال کہتے ہیں یہ لوٹ کے سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جاتے ہیں۔ سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات،
کہ جو جو فرزند ہوتے ہیں نا ان کی سیرت امہات سے تعمیر ہوتی ہے. مائیں یعنی اقبال کہتے ہیں نا کہ بطول باش پنہا شو عظیم دیر کے در آگوش شبیر بغیری. آج کی خواتین کو سبق دیتے ہوئے کہ کیوں امام حسین امام حسین ہیں, کیوں امام حسن ہیں, کیوں یہ فضائل و کمالات کے ہمالا پر کیوں جلوہ گر ہوئے. کہتے ہیں امی جان کی تو شان دیکھو. تو جن کی امی کا یہ مقام ہے تو امی کا فیض آگے منتقل ہوا ہے والدہ محترمہ کا. سیرت فرزندہا از امہات, سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں کیا حیرانی ہے. اتنی شان کو دیکھ کر ان کی امی جان تو دیکھو. تو پھر جتنے بڑے مقام والی امی جان ہیں انہی امی جان نے ان کو یہ سیرت سکھائی ہے. جوہر صدق و صفا از امہات, کسی بندے کے اندر جو صدق و صفا کی اتھارٹی آتی ہے تو ماں کے دودھ کی وجہ سے آتی ہے. تو پاک سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مقدس شیر کا اثر ہے جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ صدق و صفا اور کردار میں وہ اثر نظر آ رہا ہے. اب یہ نسبتیں بیان کر کے اقبال کہتا ہے مزرعہ تسلیم را حاصل بطول, مادرہ را اسوائے کامل بطول. مزرعہ تسلیم, تسلیم و رضا, رب کے حکم پر راضی, زہد, تقوی, پارسائی, سخاوت, عدل, انصاف, قرب الہی, اس سب کو نچوڑا جائے تو اس کے خلاصے کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے. مزرعہ, مزرعہ ویسے کہتے ہیں کھیتی کو, مزرعہ تسلیم, تسلیم و رضا کی کھیتی, یعنی جہان تسلیم و رضا. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول, مادرہ را اسوائے کامل بطول. یعنی قیامت تک کے لیے ماؤں کو جو سبق چاہیے جن کے نقش قدم میں, جن کے اسوائے حسنہ میں, جن کے کردار سے ماؤں کو روشنی حاصل کرنی چاہیے, جو جن کے اسوا کے اندر کردار میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں, جن کا کردار ماؤں کے لیے اسوائے کامل ہے, اس کامل اسوا کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس کے ساتھ ہی اقبال کہتے ہیں نوری نوریو ہم آتشی فرما برش, گم رضائش در رضائے شوہرش. نوریو ہم آتشی, نوری ہیں فرشتے, آتشی ہے جن, فرما برش یہ نوری ہوں یا آتشی, کہ یہ سارے کے سارے خدمتگار ہیں سیدہ زہرا کے رضی اللہ تعالی. فرما برش ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں, ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں. گم رضائش در رضائے شوہرش, یا کیا کمال ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کے لحاظ سے جو حکم دیا ہے امت کو, کہتے ہیں اتنے بڑے کردار والی بالآخر ان کی رضا اپنے عظیم شوہر کی رضا میں گم ہے. گم رضائش در رضائے شوہرش, آن ادب پروردائے صبر و رضا, آسیہ گردان ولب قرآن سرا. اقبال کہتے ہیں صبر و رضا کے لحاظ سے
जिनके खमीर और सीरत की तामीर हुई है, जो सब्र और रजा की आगोश में पली हैं, क्या मकाम है उनका? फिर आसिया गर्दान व लब कुरान सरा, रहा हाथ चक्की फेर रहे हैं, लब कुरान पढ़ रहे हैं। आसिया गर्दान व लब कुरान सरा, फरमा जब ये सय्यदा पाक इबादत करती हैं और अल्लाह के खौफ में रोती हैं तो वो मंजर क्या होता है? इकबाल कहते हैं गिरिया हाय ऊ अज बाली, इकबाल कहते हैं अश्के ऊ बरचीद जिबरील अज़मी, हम चू शबनम रेख्त बर अरशे बरी। अश्के ऊ आपके आंसू बरचीद चुन लिए, जिबरील अलैहिस्सलाम ने अज जमीन जमीन से, किस मकसद के लिए? कि अर्श को सजाया जाए। अश के ओ बरचीद जिबरील अज जमीन, हम चू शबनम रेख्त बर अर्शे बरी, जैसे जमीन के फूलों पर शबनम के कतरात पड़ते हैं और उनसे उनका हुसन मजीद बढ़ जाता है। तो कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम सय्यदा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा के आंसू मुबारक लेकर शबनम की तरह जिब्रील ने अर्श पे सजा दिए हैं, गिराए रेख्त सजाए, हम चू शबनम रेख्त बर अर्शे बरी। इकबाल मजमून को समेटते हैं कि जब इतनी बड़ी शान है तो दिल क्या करता है, दिल क्या चाहता है, दिल क्या चाहता है? और हम सिर्फ जुबान से नहीं, जो दिल इकबाल का चाहता है वही हमारा भी चाहता है। लेकिन जिस वजह से इकबाल वो चाहत अमली जामा उसको ना पहना सके, इसीलिए ऐसे हम भी नहीं पहना सकते, क्योंकि हमारी मोहब्बत शरीयत से बगावत नहीं करती। वो मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलाम हो या मोहब्बत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हो या मोहब्बत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हो या मोहब्बत सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हो, हम शरीयत की हदें मोहब्बत में क्रॉस नहीं करते, क्योंकि इसमें मोहब्बत जिनकी कर रहे हैं वो खुद नाराज हो जाते हैं। तो इकबाल कहते हैं दिल तो ये करता है कि जहां सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मरकदे पुरनूर है, बंदा उस कबर का तवाफ करे और बंदा उस मट्टी को सजदे करे, लेकिन नहीं करते। मोहब्बत कह रही थी लेकिन जब शरीयत ने रोका तो हम रुक गए। इकबाल कहते हैं रिश्ताए आईने हक जंजीरे पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा। आईने हक का जो रिश्ता है, जंजीर कदमों में उसने डाल रखी है, यानी रोक ये रहा है कि हक के आईन में गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं। तो हम फिर कौन होते हैं कि जो रब जिससे रोक रहा हो हम मोहब्बत की आड़ में वो करना शुरू कर दें? इकबाल कहते हैं नहीं, रिश्ताए आईने हक जंजीरे पास और पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का लिहाज है। देखो इकबाल ने मेयार बता दिया कि कोई सरकार की शरीयत की धज्जियां उड़ाए और कहे कि ये हुब्बे जहरा है, उस बेशर्म को शर्म करनी चाहिए कि जिसे सरकार के फरमान की शर्म ना हो, वो फिर सरकार की अजीम शहजादी के आदब कैसे बजा ला सकता है? और आज जमाना यही है, यही चल रहा है। अब हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अनहा करोड़ हाशान की मालिक है मगर मासूमा नहीं है, क्योंकि मासूमा मानने वाले उनको नबी के दर्जे में मान रहे हैं, नबी या मान रहे हैं। मासूमा नहीं है, नबी या नहीं है,
तो अब इस पर कोई आगे भौंकना शुरू कर दे कि तुम तोहीन कर रहे हो, तोहीन कर रहे हो, तो सय्यदा ज़हरा भी क़यामत के दिन उससे पूछेंगी कि तुमने मेरे अब्बा जी से बगावत, उनकी शरीयत और कुरान और हदीस से बगावत को मेरा प्यार करार दिया, और जिसने कुरान और हदीस पे पहरा दिया तुम कमीनों ने उसको गुस्ताख कहा। पूछेंगी इंशाअल्लाह सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन लोगों से, रिश्ता आईने हक जिंजीरे पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास। अगर ये ना होता तो इकबाल कहता मैं क्या करता, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदा बरखा के उपाशीद में। वरना अगर ये बात ना होती कि सरकार की शरीयत ने ना रोका होता तो फिर क्या है, कहते हैं गिरदे तुरबतश, उनकी तुरबश के गिर्द, उनकी सय्यदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की तुरबत जो जन्नतुल बकी में है उसके गिर्द इकबाल क्या करता, इकबाल तवाफ करता। वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, इकबाल कहता एक सजदा नहीं मैं तो करोड़ों सजदे निछावर कर देता वहां पे। सजदा हा जमा है, सजदा हा बरखाके ओ उस मरकद की मट्टी पर, कई सजदे पाशीद में, इकबाल छिड़क देता ऊपर। यानी वैसे कब्रों पे गुल पाशी की जाती है, इकबाल सजदा पाशी कर देता, यानी वो सजदे छिड़कता। मगर नहीं, क्यों कि सरकार नाराज हो जाते हैं, और जिस काम में सरकार नाराज हो सजदा कैसे राजी होंगी, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है, वो शरीयत से बगावत बन जाएगी। तो ये मेयार और फलसफा शायर मशरक ने खाके पंजाब से बयान किया, और इसके हर हर जिहत में अगर बयान कर सकते हैं तो हम आले सुन्नत बयान कर सकते हैं। ये जो कुछ लिखा है नजदी फिकर के मुताबिक यहां बहुत से शिर्क के फतवे लगते हैं, और ऐसे ही रफ्जी जो सोच है उसको भी मिलिया मेट किया जा रहा है। जहां मोहब्बत में कुरान की खिलाफवर्जी की जाती है, जहां मोहब्बत की आड़ में वो मकाम जो मकाम में नबूवत है वो सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को के लिए साबित किया जाता है, जहां मोहब्बत की आड़ में वो मकाम जो अंबिया अलैहिस्सलाम का है वो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला के लिए साबित किया जाता है, बल्कि इससे भी अगला मकाम साबित किया जाता है, बल्कि मौला अली रदी अल्लाह ताला को खुदा कहा जाता है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राजिक है। अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सरकाताज जनाबे सैयदा की नालैन की मट्टी है, जनाबे सैयदा जल्ले शानों की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। यह है तौहीद। हम कहते अली खालिक है अल्लाह, अली राज़िक है अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आज़म, अली मौला। कह रहा हूँ इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। तो ऐसी सारी मोहब्बतें इस तरह वाली वो जहन्नम का रास्ता है, और हम जहन्नम से बचाने की आवाज बुलंद करते हैं तो हमें वो लोग गुस्ताख होने के ताने देते हैं, करोड़ बार ये ताने देते रहे। हम दीन मोहम्मद से इनको दो नंबरी नहीं करने देंगे, हम कुरान पर इनको हमला नहीं करने देंगे, हम सय्यदा तय्यबा ताहिरा को आड़ बनाकर शरीयत पे इनको हमला नहीं करने देंगे, हम सय्यदा तय्यबा ताहिरा के मकामों मर्तबा पर इनको हमला नहीं करने देंगे, हम सय्यदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान पर इनको हमला नहीं करने देंगे, जान दे देंगे, एक जान क्या करोड़ों जाने भी देंगे, लेकिन इनको दीने मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर हमला नहीं करने देंगे। लबैक या
میرے چند مطالبات ہیں، ہم آج سے نہیں، ہم سال ہا سال سے شوال میں جنت البقیع کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس میں ہم حکومت سعودیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو روضہ پاک ہے جنت البقیع میں، اور باقی مقدس شخصیات، ان سب مراکد کی عظمت کو بحال کیا جائے، اور جنت البقیع کا جو انہدام کیا تھا معاذ اللہ اسی سعودی حکومت کے بڑوں نے، وہ تقدس بحال کیا جائے، اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرکز جو اہل سنت نے گنبد اور تعمیر کیا تھا، اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اور اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا، ریکارڈ پر ہے کہ میں نے کہا تھا سعودی حکومت ایک پیسہ نہ لگائے، پاکستان کے سنی اپنے کلیجوں سے گنبد بنا دیں گے۔ یہ آج نہیں، ریکارڈ پر ہیں، میری تقریروں سے کلپ دکھائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر بالخصوص جب یہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آیا، بہت زیادہ پہرے لگائے گئے کہ کوئی اونچی سانس نہ لے۔ یہ آج جو دیگ نما قسم کے مولوی بولیاں بول رہے ہیں، یہ سارے اس وقت اس میں تھے کہ صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں، کوئی اونچی بات نہ کرے، کوئی اونچی بات نہ کرے۔ جس نے عربی زبان میں اس وقت اس شہزادے کو کھلا خط لکھا، وہ یہ شاہ جلال الدین کا مرید محمد اشرف اعظم جلالی ہے۔ عربی کھلا خط جس میں کہا کہ کیوں نہیں تم تعمیر کرتے سیدہ کے مزار کو، جس میں کہا تم نے سینمے کھول دیے، تم نے میلاد کی محفلوں کو کیوں روکا، وہ میں نے کسی سے نہیں لکھوایا تھا، نہ کسی کا نام اور لکھا تھا کہ یہ بوجھ کوئی اور برداشت کرے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے خود عربی میں، جدید عربی جو پڑھی ہوئی ہے اس میں لکھا تھا، اور اپنے نام سے لکھا تھا، اپنے پیر سے لکھا تھا، اپنے پیش سے چلایا تھا، اور اس کا جو رد عمل تھا وہ بھی برداشت کیا تھا۔ یہاں تو کئی منزلہ پگڑیاں باندھنے والے، انہیں جب کوئی بلاتا ہے، اور کئی خانقاہوں کے سجادہ نشین وہی جو سیدہ زہرا پاک کی تربت کو پامال کرنے والے ہیں، انہی کے وزیروں کے استقبالیوں میں جا کر بیٹھ کے اسلام آباد میں دعوتیں اڑاتے ہیں، لیکن ہمیں خط لکھنے پر مدینہ منورہ میں حراست میں لیا گیا۔ یہ رمضان نہیں، اس سے پچھلا رمضان، حالت روزہ میں میں تھا، مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر مجھے سعودی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ جرم کیا بتایا؟ کہ تم ہی نے وہ خط لکھا تھا نا، تم نے لکھا تھا، تم نے میلاد کے لیے تم نے خط لکھا تھا، جنت البقیع کے لحاظ سے تم نے لکھا تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں پھر ایک بار ان جبہ و دستار والوں سے، کیا تم نے بھی ان راہوں پہ کبھی قدم رکھا؟ کیا تم نے بھی کوئی آواز بلند کی سیدہ کے حق میں اس طرح؟ کیا تمہیں بھی اس پاداش میں سعودی حکومت نے پکڑا؟ لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن، یہ ہم نے نعرہ لگایا۔ تم کبھی ایران کے ٹکڑوں پہ ہوتے ہو، اور کبھی نجد کی گلیوں میں ریزہ خاری کر رہے ہوتے ہو، ہم ہیں راہ مدینہ والے، اللہ کے فضل سے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لہذا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لحاظ سے میرٹ بناؤ۔ میں نے ان کے رستے میں جو کچھ کر سکتا تھا، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں، مگر قدم تو آگے بڑھایا۔ تمہیں اس بنیاد پر دکھاؤ اپنا لیٹر کیا لکھا تم نے عربی میں، کس بل میں بیٹھ کر تم نے آواز بلند کی۔ اور اس میں میں اپنے مقتدر شیوخ جنہوں نے کی ہوئی ہے بڑا بڑا ان کا کردار، ان کی نفی نہیں کر رہا، میں ان کی کر رہا ہوں جو آج ادھر سندھ اسمبلی میں ختم نبوت کا انکار ہو گیا،
लेकिन इनकी अभी तक इनको होश नहीं आया, खत्मे नबूवत का इनकार। एक नबी को जायज समझना सरकार के बाद कुफर है। और जब सैयदा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को नबियों की मां कहकर, जन्नत की खवातीन की सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर, शेर खुदा की अहलिया और जन्नत के नौजवान नान के सरदार हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, जिन्हें उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की मां कहलाने का लकब हासिल है। उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की मां कहलाने का लकब हासिल है। आइम्मा की जगह लफ्ज अंबिया, उम्मुल आइम्मा की जगह उम्मुल अंबिया और उसका तर्जमा मां के साथ करके जब बात की गई है तो ये कहां गए हैं? दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मतवाले चूरी खाने वाले मजनू, और ये रवाफिज और रवाफिज के आलाकार, क्या शान खत्म नबूवत के तहफुज के लिए नहीं बोलना चाहिए? जब हुआ कुछ नहीं वहां आसमां सर पे उठा लिया, और जहां कुफर हुआ है वहां ये सारे चुप बैठे हैं। बहरहाल इस मौजू पे गुफ्तगु अलहदा मैंने शिस्त में पूरी करूंगा कि कुफर का फतवा वहां क्या लगता है और किस किस पे लगता है और कैसे लगता है। यही वजह है कि हम जो भी इनमें से आगे पीछे करता है हम बयान करते हैं, और आज सारे हाय 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 करने वाले जिनको बड़ी सट्टें लगी हुई हैं पंजाबी में, अब वो सारे अपने अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर मैं आज फिर मुतालबा कर रहा हूं सऊदी हुकूमत से कि सैयदा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, उनकी शान में लाहौर की सरजमी पर मरकज सिराते मुस्तकीम में मैं जीता जागता, मुझे पहचान लो, मैं मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली बोल रहा हूं और मैं मुतालबा कर रहा हूं, ए नजद की हुकूमत, अगर कोई शरी तुम्हें रुकावट है तो मुनाजरा करने के लिए मैं तैयार हूं। और अगर सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के मजार को बनाने में कोई शरी रुकावट नहीं है तो इजाजत दे दो, कहोगे हम नादार सही मगर सैयदा का मजार तो सोने का बना देंगे। नजदी हुकूमत से तो यह मुतालबा है, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसमें मैं पहले तो खिराज तहसीन पेश करता हूं सिंध असम्बली को कि जहां यह करारदाद मंजूर की गई कि सऊदी हुकूमत से पाकिस्तान की हुकूमत राबता करके सैयदा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार की बहाली के लिहाज से, तामीर के लिहाज से किरदार अदा करे। मैं उस किरारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ, क्योंकि हमारी कई साल तहरीक का ये खुलासा है, और जिन लोगों ने वो किरदार अदा किया मैं उसकी भी तहसीन करता हूँ। जो गलती हुई है वो अलहदा है, उसका हुक्म हम बयान करेंगे। और मेरा यह मुतालबा है कि वही करारदाद पंजाब असेंबली में भी मंजूर की जाए कि सऊदी हुकूमत इजाजत दे सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के मजार मुकद्दस की तामीर की, और यही पंजाब, यही करारदाद बलोचिस्तान असेंबली से मंजूर कराई जाए, यही कश्मीर की असेंबली से भी मंजूर की जाए, सरहद की खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से भी मंजूर की जाए, और बिल आखिर ये कौमी असेंबली और सेनेट से भी मंजूर की जाए। और पाकिस्तान का सदर और पाकिस्तान के वजीर आजम अपने लफ्जों में बोलकर, जिनके आने पे उनके ड्राइवर बन के गाड़ियां चलाते, उन्हें कहें कि हम और कुछ नहीं चाहते, हमें सैयदा पाक का मजार तामीर करने दो। अब जो नफसे मसला चल रहा था, हमने अहले सुन्नत को समझाने के लिए उसके जो मबाहिस थे वो पेश कर दिए। अब हमारे मुतालबात हैं उस मसला के लिहाज से, हुकूमत कान खोल के सुने, इदारे कान खोल लें, पाकिस्तान के करोड़ों सुनियों की तर्जमानी मैं कर रहा हूं, पाकिस्तान में खुदा की कसम करोड़ों सच्चे दीवाने हैं
सैयदा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत पर जान छिड़कने वाले और सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की इज्जत पे पहरा देने वाले, ये चंद लोगों के प्रेशर में आकर हुकूमतें एफआईआरें काट रही है। मैं कहता हूं जो लफ्ज बोले नहीं गए और वो लफ्ज लिख के एफआईआरें कटवाई जा रही हैं, इस सिलसिला में गलत बयानी जिन जिन लोगों ने की है, गलत बयानी, मसलन खताकार का लफ्ज मंसूब किया गया सैयदा पाक की तरफ, मसलन कि वो गैर सिद्दीका हैं ये लफ्ज मंसूब किया गया, तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि जितने लोगों ने पोस्ट के जरिए, बयान के जरिए, किसी एहतजाज के जरिए यह धंधा किया है, सारे लोगों से कहो ये सबूत लाओ वरना सबको अस्सी अस्सी कोड़े मारो। अगर सैयदा पाक को किसी ने खताकार कहा, अगर सैयदा पाक को किसी ने गैर सिद्दीका कहा तो वो मुजरिम है, उस पे 295 सी लगाओ। जब हमने ऐसा नहीं किया तो जिन्होंने किया है उन्हें पहले तो 80-80 कोड़े मारो, और सबूत है उनका कि उन्होंने अपनी तरफ से घर के किया है, और फिर उन पर उनका शरी हुक्म उन्हीं से पूछो कि तुमने अपने चस्के पूरे करने के लिए कुछ जाली सैयद बने हुए हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि सबूत होगा कि हम ही बड़े उठे थे उस वक्त, लिहाजा हमें भी सैयद मान लो। हर एक के अपने अपने जुर्म हैं, हर एक के अपने अपने जुर्म हैं जिनको छुपाने के लिए कई ऐसे लगे हुए हैं इल्ला माशाल्लाह। हमारा मुतालबा है, हमारे भी कारकुन हैं, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, खुदा की कसम आज भी शान तैयबा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और शान सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला के लिए पाकिस्तान की हर शहर की हर चौक में धरना दे सकते हैं। मुझसे बाकायदा इजाजत मांगी हमारे यूथ विंग ने कि मुखालिफ फरीक के जो ईरान में बड़े हैं हम उनके यहां पुतले जलाएंगे, तो हमने कहा नहीं अभी हम हुकूमत से बात करेंगे, तो इस वास्ते हमने रोका हुआ है, ये मुतालबात हमारे पूरे ना हुए तो पाकिस्तान के चौकों में मैं देखूंगा कौन रोक सकता है सिद्दीक अकबर और फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के गुस्ताखों के हम पुतले जलाएंगे। पुतले वैसे नहीं जलाएंगे, पहले सबूत दिखाएंगे, ये देखो इन्होंने तौहीन की है इस वजह से हम इनके पुतले जला रहे हैं। तो हुकूमत से हमारा मुतालबा है जिन लोगों ने किसी एप्लीकेशन में खताकार लिख के दरखास्त दी हमारे खिलाफ उन्हें भी बुला के सीकोड़े मारे या उन्हें कहें कि लफ्ज खताकार लाओ, उसने कहां बोला है, अगर नहीं लाते तो 80 कोड़े मार के खा कोई हो शान तैयबा जहरा के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है, क्यों बका लफज इन्होंने खताकार का, इनको 80 कोड़े मार के फिर 295 सी का मामला इन पर पूरा करो। और बिलखसूस ये मेरे हाथ में एक एफआईआर थाना ये लाहौर के अंदर समनाबाद में ये एफआईआर कटवाई गई है और इसमें ये लफज लिखे हुए हैं मेरे लिहाज से उसने हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को गैर मासूमा और गैर सिद्दीका कहा, तो मैं कहता हूं गैर सिद्दीका के जुमले लाओ और मुझ पे 295 सी लगाओ। मैंने आज तक सोचा भी नहीं, मैं तो उनको सिद्दीका कुबरा कहने वाला हूं, हां 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 मैंने उन्हें गैर मासूमा कहा खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए, कुरान पे पहरा देने के लिए, उनकी अपने मजाज पे पहरा देने के लिए,
आज नबिया के माने में जो मासूमा उन्हें कह रहा है वो खत्म नबूवत का इनकार भी कर रहा है, जहरा पाक की तोहीन भी कर रहा है। तो हमने तो नहीं कहा, ये जो FIR में लिखा गया है, अब जितनी तंजीमों के नाम हैं, ये धरने देने वाले, ये नाम, इन सब को 80 कोड़े मारकर फिर इन पर 295C की बात की जाए। और ये लिखा है कि उसने कहा सैयदा पाक खताकार हैं, लाओ कहां कहां, यहां से लेकर ईरान के वीरानों तक मेरा चैलेंज है, एजेंसियां नोट करें, हम अब चुप नहीं करेंगे, हम ये बात जो मुतालबा पूरा करवाएंगे। इन्हें कहो सबको जितने शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, लफ्ज खताकार वाली वीडियो लाएं, ऑडियो लाएं, तहरीर लाएं, किसने खताकार कहा। मेरी तो कितनी तकरीरें हैं जिसमें हमने कहा खताकार की निस्बत करना सैयदा पाक की तरफ नाजायज है। तो ये अपनी तरफ से लिखकर जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी, हुकूमत क्या सोई हुई है। मेरा मुतालबा है समनाबाद थाने के जिस शख्स ने FIR काटी है सबसे पहले उसे लटकाया जाए। ये मजाक है, सुने बगैर, तफ्तीश के बगैर क्यों FIR काटी। अगर सबूत है तो मैं तो दूसरी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 295C पर अमल कर दो, मेरे लिहाज से मैं तो अगली बात ही नहीं कर रहा। और जब नहीं है तो ये थानों में जानवर बिठाए हुए हैं, ये पुलिस एहलकार जिसने ये काटी है उसे 24 घंटे से पहले मुअत्तल किया जाए। और जो जो मुतालबा करने वाले हैं उन्हें 80 कोड़े मारे जाए या उनसे सबूत मांगा जाए। और इसके साथ अगली बात भी है, क्योंकि इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं कहता हूं मुख्तदारी इदारों को, क्योंकि हम पे इल्जाम लगा है, पूरे मुल्क में मुजाहरे किए गए हैं, अब बारी हमारी है। इनके फिरके के बड़े से बड़े आलिम को मेरे सामने बिठाओ, मैं साबित करूंगा कि ये कैसे गुस्ताखे जारा हैं, ये कैसे गुस्ताखे नबी हैं, ये कैसे मुनकरे कुरान हैं। इस पर भी अमल होना चाहिए, हमारा ये मुतालबा भी माना जाए, इदारे माने, हम कानून के ताबे हैं, स्टेट के ताबे हैं, मगर बेगैरत नहीं। कुरान पे हमला हो जाए तो हम चुप करें नहीं करेंगे। लिहाजा हुकूमत इस मुतालबे पर इनको सामने लाइन में लाए, मेरे सामने यहां से लेकर कौम तक मेरे सामने बिठाओ, फैसला करो हमारी तकरीरों का और इनकी तकरीरों का। ये तो अल्लाह को के से बढ़ा रहे हैं, शान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबियों से बढ़ा रहे हैं। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राजिक है। अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सरदाताज जनाबे सैयदा की नालैन की मट्टी है, जनाबे सैयदा जल्ले शानों की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। यह है तौहीद। हम कहते अली खालिक है अल्लाह, अली राजिक है अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आजम, अली मौलाए कुल। मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं मोहम्मद को भी नहीं मानता, मोहम्मद की कसम, मैं इस्लाम को भी नहीं मानता, इस्लाम की कसम, मैं कुरान को भी नहीं मानता, कुरान की कसम, खुदा की कसम। हाँ कह रहा हूं, इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की
की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। ओ पाकिस्तान के इदारों कहां तुम सोए हुए हो? इस मुल्क में तौहीन कुरान हो रही है, तौहीन उलूहियत हो रही है, खत्म नबूवत का इनकार हो रहा है और तुम सारे सोए हुए हो और जहां हुआ कुछ नहीं वहां एफआईआर काट रहे हो। अब हम पे जो इल्जाम लगा उसके लिहाज से हम नहीं छोड़ेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। हम पेश करते हैं सबूत के किसने तौहीन की। इसके साथ मेरा यह भी मुतालबा है कि जिन राफजी लौंडों ने या बजहर सुन्नी कहलवाने वालों ने हमारी गुफ्तगू को पस मंजर से काट कर अलैदा अवाम में उछाला, उनको भी गिरफ्तार करके कम अज कम 80 कोड़े तो मारे जाएं। क्योंकि गुफ्तगू जो है पीछे से हटाकर सिर्फ अपना बुगा साबित करने के लिए कि अगर पीछे साथ मिला के होगी तो फिर तो तौहीन नहीं बनेगी, जुदा करके काट के लोगों को बताएं। तो जाहिर है कि आम लोग खाली जेन में, हम खुद कह चुके हैं कि ऐसे कोई गुफ्तगू करते हुए उनकी तरफ खता की नस्बत करे तो यह जायज ही नहीं। तो फिर लोग तो इस सिलसिला में फरेब खुर्दा हो जाएंगे, लेकिन कुछ अहले इल्म को तो हया करनी चाहिए थी। सिर्फ सुने सुनाए पर आगे फतवाबाजी शुरू कर दी कि हम तो ना पहले मरहला में बोलना चाहे समझते हैं, ना दूसरे में, ना तीसरे में मुतलकन, उसमें भी जवाब देने के अंदर मशरूत, और फिर उसका भी मतलब बयान किया कि कैसे उसकी जगह और लफ्ज बोला जा सकता है। और इन्होंने वैसे ही हमारे जिम्मे लगा दिया, यानी खताकार तो बोला नहीं और लफ्ज खता जिस नुक्ते नजर में है उससे हटाया क्यों इन्होंने बदमाशों ने? हटाने वाला वो राफजी लौंडा यासीन, वो सरवर चिश्ती, वो इस तरह के गुमास्ते, उन सब को शामिल तफ्तीश करके उन पर 295 सी लगाई जाए कि तुमने तौहीन बनाने के लिए धंधा क्यों किया, जबकि तौहीन नहीं थी तो क्यों काट के अलहदा इसको पेश किया। लिहाजा ये हमारे मुतालबात है हुकूमत पाकिस्तान से, और हुकूमत कान खोल के सुन ले। अगला रहा है अमल, हम बयान करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी कुछ घंटे इंतजार है। लेकिन हमारे अवाम करोड़ों का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। चलो जुर्म हो, गलती हो किसी की तो जो कुछ कहता रहे, लेकिन यहां सिर्फ इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है कि हम बॉर्डर पे खड़े होकर शाने ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे पहरा क्यों दे रहे हैं? हम शाने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पे पहरा क्यों दे रहे हैं? इन्हें वो जरब आज भी जख्म चाट रहे हैं कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयद आयशा सिद्दीका, सैयद हफ्सा रदी अल्लाह ताला अनहुन्ना व अनहुम को काफिर कहा गया था एक शिया वजीर की सदारत में, सरपरस्ती में, एक खतीब ने कहा था हमने उस जमाने में पीर सैयद मोहम्मद मजर कयूम मशहदी कुद्दस सिरुल अजीज की सदारत में ईशा से लेकर फजर तक उस रफजी वजीर के घर के साथ शाने सिद्दीक अकबर, शाने फारूक आजम, शाने मौला अली, शाने फातिमतुज़्ज़हरा, शाने सैयदा आयशा सिद्दीका, शाने सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सैयद हफ्सा हमने बयान की। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है अपने कामों पे बढ़ाई नहीं, लेकिन ये भी लोग तो इसी सल्तनत में रहते हैं और इनकी तारीख विलादत उस वक्त से पहले की है। ये सारे आकिल बालिग थे उस वक्त जब हम जान हथेली पे रख के निकले थे तहफ्फुज़ के लिए, और इशा की अजान से नमाज से लेकर फजर की अजान तक 6.5 घंटे खिताब करके इनके ताबूत में कील लगाए थे। ये हमारा जुर्म है। वो या उसके बाद जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अनहो को गालियां देकर सरकार को तकलीफ पहुंचाई गई, हम खड़े थे ईवान इकबाल में, हम खड़े थे अल्लाह के फजल से,
सेमिनार किया, फिर एक नहीं कितनी कॉन्फ्रेंसें की, कितने प्रोग्राम किए, ये जुर्म है हमारा। और इस बॉर्डर पे खड़े सिपाही को जो जितना चाहिए तो उतना तो कर ना सका, लेकिन खड़ा तो है करोड़ों के मुकाबले में, और वो इसे फायर करके हटाना चाहते हैं दरमियान से और आगे मुकद्दस हस्तियों तक जाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, लोगों को मसले की समझ आ गई है, क्योंकि जब काट के आखिर से दिया गया था तो जाहिर है कि एक बात बदल के जब सुनाई जाए तो उस पर जिनको पता नहीं, उधर मकाम मकामे ज़हरा रदी अल्लाह तआला नहा है, और जिनको पता नहीं वो तो फौरन हैरान रह जाएंगे। और अल्लाह का फजल है, आज हिमायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो सरे फहरिस्त इस कमजोर बंदे की हिमायत में नारा लगा तो बरेली शरीफ से लगा, खून आला हजरत ताजे मिल्लत हजरत मन्नान रजा मन्नानी मियां हाफिज़ाउल्लाह ताला ने बरेली शरीफ से ऐलान हक कर दिया है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म करने लगा हूं, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, और ये फैज है एक सैयद घराने की निस्बत का, वो मर्द हक इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहेब नक्शबंदी कादरी। हम गोंदड़ बरादरी में वरना बोलने की क्या मजाल थी, अगर सैयदों का फैज ना होता, करबला वालों का फैज ना होता, आज लोग हैरान हैं इसके पीछे कितने आस्ताने हैं, इसकी फैक्ट्रियां कितनी हैं, ये किस बेस पे बोल रहा है। तो मैं अब शेर में बताता हूं मैं किस बेस पे बोल रहा हूं, यकीनन यकीनन इस चरागे रह गुजर का भी खुदा तो है। रह गुजर में कोई चराग है जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई मुहासरा नहीं, बस रस्ते है चराग लेकिन है रह गुजर पे, मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तूफानों की, क्यों, यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा की आल की शफकत ने पाला है। अहले सुन्नत की ज़िया, अहले सुन्नत की ज़िया, अहले सुन्नत की ज़िया, यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, कोई वडेरा नहीं, अमेरिका नहीं, ईरान नहीं, सऊदीया नहीं, कोई जरूरत नहीं, अल्लाह जो हमारे साथ है, यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा की आल की शफकत ने पाला है। मैंने तो भी होश नहीं संभाला था उस वक्त हजरत किबला इमामुल असर पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहेब नक्शबंदी कादरी बानी मरकजी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ, मेरी घुट्टी उनके हाथों से है। अभी तो सन्न बलूग तक भी नहीं पहुंचा था कि उनके घर उनके कदमों में बैठकर उनके फैज से बहरावर होता रहा। यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा की आल की शफकत ने पाला है, मुझे भी हजरत सिद्दीक से निस्बत मुयसर है। मैं मुजद्दद अल्फ़सानी वाला हूं, मैं शेर रब्बानी वाला हूं, मुझे भी हजरत सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे भी हजरत सिद्दीक से निस्बत मुयस्सर है। मेरे दिल को भी जहरा पाक से हासिल उजाला है, मुझे भी हजरत सिद्दीक से निस्बत मुयस्सर है, मेरे दिल में भी जहरा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे दिल को भी जहरा पाक से हासिल उजाला है, ये मेरा हाथ भी पकड़ा है सैयद की विलायत ने,
खरे सुच्चे सच्चे हाफिज, हाफिज़े कुरान भी, हाफिजुल हदीस भी, जुनैदे जमा इमामुल असर। ये मेरा हाथ भी पकड़ा है सैयद की वलायत ने, मेरी पहचान में भी गौसे आजम का हवाला है। जिस पीर की गलियों में चोर गुजरे तो कुतुब बनता है। मैंने तो वहां कितनी मुद्दत पड़ा है सही अकीदे के साथ, मैंने तो पूरा कुरान तरावी में खड़े होकर, और वो भी 11वां मुसल्ला, पीराने पीर पीरे दस्तगीर हजरत सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की दहलीज पे सुनाया है। पाकिस्तान का कोई और बंदा एक भी मुझे ऐसा बताओ कि जिसे ये शर्फ मिला हो कि 11वां मुसल्ला उसने 11वीं वाले पीर के दरबार में पूरा सुनाया हो। बड़ाई नहीं, लेकिन एक हकीकत तो है। तो मैं फिर कहता हूं, ये मेरा हाथ भी पकड़ा है सैयद की वलायत ने, मेरी पहचान में भी गौसे आजम का हवाला है। शराइत किस कदर थी, बात थी कैसी शरीयत की। वो जो मौला अली सेमिनार में हमने कड़ियां वाले में तकरीर की, या इधर वो जो अदालत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने सेमिनार में तकरीर की, वो जो काट के क्लिप दिया गया, शरायत किस कदर थी, खता की किस्में, फिर शरत वक्त की किसके जवाब में, फिर कितनी देर के लिए, और फिर बका का जवाल, और अकीदा उस वक्त भी बेखता बेगुना सैयदा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और इन्होंने क्या बताया आगे काट के, देखो जी ये तो वो खता की नस्बत, और कुछ कमीनों ने खताकार की नस्बत बना के बयान करना शुरू कर दिया। शरायत किस कदर थी, बात थी कैसी शरीयत की, ये राफिज बेहया ने बात को कैसे उछाला है। शरायत किस कदर थी, बात थी कैसी शरीयत की, ये राफिज बेहया ने बात को कैसे उछाला है। अब कितने हैं जो अपने मसनदों पे बैठ के मुंह में घुघड़ियां डाले हुए हैं, ठीक है उस पे इल्जाम लगाए, भुगते, किसी को कोई रंज है, किसी को कोई रंज है। कोई जब राणा सना को जब क्लीन चिट दे रहा था तो हमने कहा नहीं, तुम पीर हो तो अपने घर हो, तुम किसी जगह के शेखुल हदीस हो तो अपने घर हो, मगर जो खत्म नबूवत के खिलाफ कादियानियों का हम नवा बना हुआ है, तुम उसे क्लीन चिट क्यों दे रहे हो। उन्हें वो दर्द है, किसी के लफ्ज खुदा की तोहीन पर हमने उनको झंझोड़ा, या लफ्ज नबी की तोहीन पर, तो वो जख्म चाट रहे हैं आज तक, उन्हें वो रंज है। कोई 40 साल तक सरकार की नबूवत नहीं मान रहा था, उसे वो रंज है। कोई जाली सैयद था और आज उसने कहा चलो मौका है मैं बोलूं तो लोग मुझे भी सैयद ही समझें, क्या क्या इन लोगों के फ्रॉड हैं और इन लोगों के जुर्म हैं, हमें पता है हर एक का, कि अगर हमने उनकी उन बातों को माना होता तो ये आज हमें सिर्फ आमनी कायदे अहले सुन्नत कह के ही बोलते सारे, हमारे पास यहां आकर हमें आफरें करते रहे, इसी कुर्सी पे बैठकर भी, इसी कुर्सी पर बैठकर इलेक्शन से पहले इत्तेहाद की खातिर आकर। लेकिन हमने कभी जुल्मतों को उजाला नहीं माना, तो वो ठीक है बढ़ास निकालें जो करते हैं करें, लेकिन मैं कहता हूं ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है। कितने हैं जो फोन करके कहते हैं बात बिल्कुल तुम्हारी सच्ची है, बात तुम्हारी सच्ची है, मगर डरते हैं कहीं ये बात कोई सुन ना ले। सच्ची है तो तुम क्यों नहीं सच्ची कहते। अगर जामिया रिजविया मजरुल इस्लाम फैसलाबाद के शेखुल हदीस को समझ आ गई और वो बुढ़ापे के बावजूद बीमारी के बावजूद बोले हैं, तो बाकी को बोलने में क्या तकलीफ है, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं हक का साथ दे रहे, क्यों प्रेशर के नीचे आए हैं, क्यों ईरान के रेजा खारों
के सामने समझते हैं कि क्या नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूं हट जाओ पीछे सारे, ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है, खुदा और मुस्तफा के फजल ने मुझको संभाला है। यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा की याल की शफकत ने पाला है। ना निकले ना निकले ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है, खुदा ओ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा जल्ला जलालहू, ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है, खुदा ओ मुस्तफा के फजल ने मुझको संभाला है। ये मैंने अपनी तरफ से आज की इस शान बतूल रदी अल्लाह ताला अन्हा कॉन्फ्रेंस में अपना मौकफ पेश कर दिया, और अभी इंशाल्लाह कल भी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अंदर मजीद हकायक जो हैं वो सामने लाएंगे। मुतालबात हमने पेश कर दिए और हुकूमत कान धरे, इसके बाद फिर अगला लाए अमल जब हमने ऐलान कर दिया तो फिर कोई नहीं रुकेगा इनके रोकने से। ये रा का एजेंट सरवर चिश्ती और 295C के दुश्मन अमेरिका के पालतू, ये इस मुल्क के अंदर हालात खराब करना चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हालात खराब हों, हुकूमत के लिए अमन अमान का मसला बने। इस वास्ते कितने दिन हो गए हैं ये लोग हमें भौंक रहे हैं और हम सुन रहे हैं, हमने कोई अगला मुतालबा किया ही नहीं। मसले की वजाहत अहले हक के लिए थी, वो कर दी, लेकिन इससे अगला मरहला ये है, अगर बोलना है दूसरे तबके ने तो हमारे सामने बोले सुप्रीम कोर्ट में। और जिन्होंने ये किया है अपनी तरफ से घर के तौहीन की है, उन सब को उल्टा लटकाया जाए। आले हक मेरे साथ मिलके इस मुतालबे पर ये जवाब दो, हम अजमत रसूल के, हम चादर बतूल के, हम चादर बतूल के, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, छाया 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 छाया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सिद्दीक या सिद्दीक या सिद्दीक या अली या अली या अली या हसन या हसन या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हमारा नारा बरमला, हमारा अकीदा बरमला, तैयबा ताहिरा, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना, लब्बैक लब्बैक अल्लाह ताला सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।